दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरबी समुद्र में बने हवाओं के दबाव के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में चक्रवाती तूफान टोक्टे ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बीते 24 घंटे में दक्षिण भारत के राज्य केरल में 209 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सर्वाधिक है। इस बीच कोस्टल गार्ड ने केरल के उन दर्जनों मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है जो समुद्र में फंस गए थे। फिलहाल टोक्टे तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मनाही की गई है, साथ ही सागरी इलाकों के रहवासियों को शिफ्ट किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवाती तूफान 15 और 16 मई को ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। टोक्टे साइक्लोन को लेकर महाराष्ट्र में भी रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने राज्य के कोकण क्षेत्रीय 6 जिलों में मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबंधित जिलों के उच्चाधिकारियों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साइक्लोन के कोकण के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई और थाने जिले में ज्यादा असरदार होने की संभावना है। 15 और 16 मई को भारी बारिश और तूफानी हवाओं का अंदेशा है, जिसे देखते हुए रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया। वहीं थाने जिले में येलो अलर्ट जबकि पालघर जिले में ग्रीन अलर्ट जारी है। नागरिकों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पता चला है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण शरीर के इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है, जिससे दिल की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इतना ही नहीं, मरीज हाई और लो ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का भी सामना कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने रिसर्च के हवाले से दावा किया है कि युवाओं में ये परेशानी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। बता दें कि भारत में पोस्ट कोविड इफेक्ट को लेकर भी काम हो रहे हैं। एनआरसी में बदलाव की मांग उठने लगी है। असम के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर नेशनल सिटीजन रजिस्टर के ड्राफ्ट के सत्यापन की मांग की है। असम के एनआरसी समन्वयक हितेश शर्मा ने एनआरसी में कई गलतियां होने का दावा करते हुए अदालत से पूर्ण, समग्र और समयबद्ध तरीके से दोबारा सत्यापन की निगरानी के लिए एक समिति गठित कराए जाने का आदेश जारी करने की मांग की है। अधिकारी ने बताया कि सूची में कई गंभीर और बुनियादी खामियां हैं। सूची में वे लोग भी शामिल हो गए हैं जो पात्र नहीं हैं। नेपाल में सियासी उठापटक खत्म हो गई है। विश्वास मत हारने के 3 दिन बाद केपी शर्मा ओली फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। दरअसल विपक्ष बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा, जिसके बाद गुरुवार की बीती रात 9 बजे के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने केपी शर्मा ओली को दोबारा देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय लिया है। ओली ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से शपथ ले ली है। बता दें कि ओली भारत विरोधी रुख रखने के कारण अंदरखाने विरोध झेल रहे हैं। नेपाल का एक बड़ा तबका भारत का समर्थन करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सावधान रहने की अपील की। पीएम ने कहा कि मैं देशवासियों का दर्द महसूस कर रहा हूं। सरकार कोरोना को रोकने लगातार काम कर रही है, इसलिए अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी जैसी जरूरी सावधानियों का भी पालन करते रहें। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चला रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मई और जून में देश के 80 करोड़ से ज्यादा साथियों को राशन मिले, इसका प्रबंध किया गया है। बता दें कि पिछले साल 8 महीने तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस की आलोचना की है। नड्डा ने लिखा है कि फिलहाल कांग्रेस के आचरण से दुखी हूं। आपके कुछ नेता लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों की नकारात्मकता से सब बेकार हो रहा है। नड्डा बोले, क्या कांग्रेसी लोगों को गलत सूचना देने और बेकार में घबराहट पैदा करने पर रोक लगाएंगे? क्या कांग्रेस अपने राज्यों में लोगों की मदद के लिए मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान करेगी? फिलहाल इस खत के बाद कांग्रेस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 15 मई से बढ़ाकर 1 जून तक कर दिया है। कोरोना को रोकने सरकार ब्रेक दी चेन अभियान चला रही है, जिसके तहत यह प्रतिबंध 1 जून की सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगे। अति आवश्यक सेवाओं से अलग लोगों के लिए कुछ नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले सभी वाहन चालकों को आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना होगा। मालवाहक वाहनों में सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर ही प्रवास कर सकेंगे। एपीएमसी मंडी,
बाजार और सार्वजनिक ठिकानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी ताकीद किया गया है। सरकार का दावा है कि कड़क प्रतिबंधों के जरिए कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या घटने लगी है। राज्य सरकार संक्रमण से बचाने वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दे रही है। अब तक कुल 1,96,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। फिलहाल सबसे अधिक वैक्सीनेशन दूसरी डोज का हो रहा है, जिनमें 45 से अधिक उम्र के लाभार्थी शामिल हैं। जबकि कई शहरों में वैक्सीन के अभाव में टीका केंद्र बंद कर दिए गए हैं। मुंबई या थाने के बाद 16,00,000 की आबादी वाली नई मुंबई में सिर्फ महानगर पालिका के 4 आरोग्य केंद्रों पर ही वैक्सीनेशन चल रहा है, जबकि सभी 29 प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीनेशन ठप हो गया है। मनपा के आरोग्य केंद्रों पर आज के दिन 800 लोगों को ही वैक्सीन देने की तैयारी है। कोरोना महामारी के बीच जबकि नई मुंबई में ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में सिडको महामंडल ने बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने इसकी मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। फिलहाल सिडको इस हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन देने वाली है। भूखंडों का निरीक्षण भी हो चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि यह एक ऐसा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज होगा जहां नई मुंबईकरों को सुलभ इलाज और युवाओं को मेडिकल शिक्षण की व्यवस्था होगी। मंदा मात्रे ने उम्मीद जताई कि तीसरी लहर के बीच यदि हॉस्पिटल तैयार होता है तो इससे कईयों की जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नई मुंबईकरों के लिए ही समर्पित होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर चल रहा विवाद और गहराता जा रहा है। आज पनवेल में सर्वदलीय नेताओं ने बैठक की और एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे की बजाय लोक नेता दीबा पाटिल का नाम दिए जाने की मांग की। इस अवसर पर बीजेपी नेता रामशेष ठाकुर, कांग्रेस के महेंद्र घरत, प्रकल्पग्रस्त नेता दशरथ पाटिल, विधायक बालाराम पाटिल, एमएलए प्रशांत ठाकुर, महेश बाल्दी और दशरथ भगत समेत तमाम लोग मौजूद थे। सर्वदलीय नेताओं ने एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का नाम दिए जाने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि दीबा पाटिल एक ऐसे लोक नेता है जिनके कार्य ऐतिहासिक रहे हैं। सर्वदलीय नेताओं ने प्रकल्पग्रस्तों की भावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हर हाल में एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का ही नाम दिया जाना चाहिए। दरअसल सिडको ने इसके निर्माण से पहले ही नामकरण की तैयारी कर ली है, जिस पर बवाल मच गया है। आज के बुलेटिन खबर दिन भर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन देश दुनिया मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।